मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राग के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। कौन सी फिल्म थी जिसमें एक्ट्रेस को पहली बार दिखाया गया था न्यूड? क्या मच गया था बवाल? क्या बैन किया गया था इस फिल्म को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जुयाल। दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड में एकदम डिसेंट फिल्में बनती थी, इसमें कोई बोल्ड और न्यूड सीन्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में इस सब की भरमार है। आपको बता दें, 50 साल पहले जब किस सीन्स को भी दिखाने के लिए दो फूलों का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे में एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने बिना कपड़े के सीन शूट किया था। और ये पहली बार हुआ था जब बॉलीवुड फिल्म में कोई एक्ट्रेस न्यूड हुई थी और जमकर बवाल मचा। इस फिल्म का नाम था सिद्धार्थ। ये एक इंडो अमेरिकन ड्रामा थी जो जुलाई 1973 में रिलीज हुई। फिल्म में शशि कपूर और सिमी ग्रेवाल लीड रोल में नजर आए, जबकि राकेश शर्मा और पिंचो कपूर ने अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें, कोनार रुक्स ने इसे डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 1920 में इसी नाम से आए हरमन हेस के नोबल पर बेस्ड थी। फिल्म को अमेरिका में तो खूब पसंद किया गया, लेकिन भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे बैन कर दिया। आपको बता दें, सिमी ग्रेवाल इसमें न्यूड दिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये बॉलीवुड के इतिहास का पहला न्यूड था। फिल्म में सिमी की भूमिका एक प्रोस्टिट्यूट की थी जो हीरो को जिंदगी और प्यार का आनंद लेने के लिए पाठ पढ़ाती है। फिल्म के हीरो थे शशि कपूर, जो सिद्धार्थ के रोल में नजर आए। एक सीन में उन्हें पूरी तरह से न्यूड सिमी ग्रेवाल के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े हुए देखा गया था। फिल्म से सिमी का सीन उस वक्त की दो अंग्रेजी मैगजीन के कवर में पब्लिश हुआ था। जब मैगजीन का ये एडिशन सामने आया तो जमकर बवाल मचा। बताया जाता है कि मामला कोर्ट तक पहुंचा और फिल्म को बैन कर दिया गया। सालों बाद एक बातचीत में सिमी ने इस सीन के बारे में कहा और बताया कि उन्हें कोई शर्म नहीं आई। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर फिल्म मेकर इजाज़त देते तो वो पूरी न्यूड भी हो सकती थी। वैसे सिमी मेरा नाम जोकर में पूरी तरह से न्यूड हुई थी, जो 1972 में रिलीज हुई, लेकिन फिल्म मेकर ने पर्दे पर सिर्फ उनका बैक पोर्शन दिखाया था। वो कहती है कि उन्हें अपना संकोच तोड़ने और कपड़े उतारने की आज़ादी पसंद है। फिल्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके लिए पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। इसी तरह सिमी ग्रेवाल से पहले उनका कैरेक्टर एक्ट्रेस जहीरा को ऑफर किया गया था, लेकिन जब उन्हें फिल्म में न्यूडिटी के बारे में पता चला तो उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। दोस्तों, कैसा लगा ये फैक्ट जानकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड से जुड़े दिलचस्प किस्सों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।